वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको आज इसमें काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, नहीं तो आप पे हो सकता है 100 KD का जुर्माना पड़ जाए। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या फ़्लाइट को लेकर भी आ रही है, सभी जो है अपडेट के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें और इस तरह का जो जुर्माना वगैरह पड़ रहा है आप उससे बच सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, कर्फ्यू को लेकर भी जो है कुवैत सरकार अभी जो है डिसीजन ले रही है और हो सकता है अभी जो इतने केसेस आ रहे हैं कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा, आपको मालूम होगा कि 24 घंटे के अंदर 700-800 केसेस आ जाते हैं और भी ज़्यादा आते हैं, डेथ वगैरह भी हो रही है और अभी जो है कोरोना वायरस के दोबारा से केसेस इतने आने लगे तो हो सकता है कुवैत सरकार स्टेज 2 लेकर आए जिसका लॉकडाउन वगैरह लगा दे। तो आप मुझे राय बताइए अपनी के लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये अभी कोई किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं है। आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ये खुशखबरी की अपडेट है और इससे जो है और ये सारे जो सोच विचारी हो रही है कोरोना वायरस को लेकर और काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो हो सकता है इस अपडेट के बाद में ना लगे। तो सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है ये आ रही है अमेरिका से। जैसे कि आपको मालूम है अमेरिका ने जो है वैक्सीन बना ली है जो कि कोरोना वायरस की है और अभी इस पर 20 कंपनियाँ काम कर रही हैं, इंटरनेशनल कंपनियाँ जो है वो काम कर रही हैं, जिसमें क्या वो ग्रीन सिटीजन को देंगी तो उसके बाद में कुवैत के अंदर वो कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन वगैरह आएगी और काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी जो कुवैत ने है पैसा वगैरह भी दे दिया है, तकरीबन $18 मिलियन जो है कुवैत ने वो दे दिए हैं और वैक्सीन के लिए हैं और ये जल्दी ही कुवैत के अंदर जो है एंट्री करने वाली है वैक्सीन। और जैसे ही ग्रीन चिप मिलती है जो 20 कंपनियां काम करनी है इंटरनेशनल लेवल पे तो तुरंत जो है वो कुवैत के अंदर वैक्सीन आएंगी और उसके बाद में जो है लोगों को देना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग जो है इस चीज़ से जो है फ़ायदा उठा सकें और जैसे ही वैक्सीन वगैरह आए तो सभी को जो है दो दो डोज दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये है कंपनी को लेकर, जो कंपनी वगैरह हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी से पहले 2000 लोग ऐसे हैं जो क्या बिना मास्क के पाए गए हैं और अभी तक जो है कुवैत के अंदर, अभी इस चीज़ को देखते हुए कुवैत के अंदर एक नया कानून जो है लागू हो चुका है, वो भी जान लेना आपको ज़रूरी है ताकि आप पे किसी भी तरह का कोई भी जुर्माना ना पड़ सके। तो अभी जो 2000 लोग हैं वो बिना मास्क पे पाए गए हैं जो कि अलग अलग एरिया में, जहरा में, मुबारक में, अलकबीर में, यानी कि सभी जगहों पर जो है वो पाए गए हैं। अगर आप भी किसी भी एरिया में रहते हैं, फरवनिया चाहे हवली, तो आप ध्यान रखिएगा बिना मास्क के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जो जुर्माना रखा गया है वो 100 KD रखा गया है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं या कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं और आप बिना मास्क के पाए गए तो आप पे 100 KD का जुर्माना रखा गया है। आपको पकड़ने के बाद में रसीद बना दी जाएगी और आपको 100 KD देने ही देने हैं। तो आप ज़रूर जो है अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर मास्क लगाइएगा, बाहर जाते हैं तो बिना मास्क के ना जाएं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये सारी चीज़ें जो करी गई हैं 100 KD का जुर्माना वगैरह, क्योंकि पहले जो थी म्यूनसिपैलिटी की टीमें अलग अलग घूम रही थी और वो जायज़ा ले रही थी लोग कितना मास्क लगा रहे हैं, लोग कितने रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ज्यादातर जो देखा गया, लगभग जो दुकानों पे जो दुकानदार सामान देते हैं, सेल करते हैं, तो उनके पास भी मास्क वगैरह नहीं था। तो ये सारी चीज़ें लागू की गई हैं। अब किसी भी इंसान को देख लिया गया बिना मास्क के, चाहे वो दुकानदार हो या दुकान के पास खड़ा हुआ हो या कोई भी सामान खरीदने के लिए गया हो, या चाहे वो मॉल वगैरह में हो या किसी भी तरह से पब्लिक प्लेस पर हो या कहीं भी जाता हुआ बंदा मिल गया बिना मास्क के, तो उस पर जो है 100 KD का जुर्माना पड़ जाएगा। तो आप कहीं भी जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, तो ज़रूर मास्क ज़रूर यूज़ करिएगा और सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपको भी परेशान आ सकती है और हो सकता है इस परेशानी का शिकार आप भी हो जाएं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगले अपडेट आ रही है निकल के वो 34 कंट्रियों को लेकर आ रही है। DGSA की तरफ से अभी जो है सोचा विचारी चल रही है। जैसे कि आपको मालूम है जल्दी ही जो 34 कंट्रियों के फ्लाइट वगैरह बंद की गई हैं वो उन्हीं को चालू करने के विचार हो रहा है, लेकिन 34 की 34 नहीं होंगी, इनमें जो है कुछ
फ्लाइटें हैं जो कि अब कुछ देशों की चालू कर दी जाएंगी और इनमें जल्दी ही जो है डिसीजन इसका आने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है बंदा कोई भी जाता है उसको कुवैत के अंदर, तो उसको जो है क्वारंटीन रहना पड़ता है 14 दिन का। तो उस पर भी विचार हो रहा है जो क्या उसको घटाकर लगभग 3-4 दिन का करा जाएगा, और ये बड़ी अपडेट हो सकती है और ये जो है जल्दी से जल्द इन चीज़ों पर डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये आपको जान लेना ज़रूरी है ताकि आप कहीं पे भी कैसे भी कोई भी सफर करते हैं तो आपके काम आने वाली ये खबरें हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मार्क्स वगैरह के जो हवाले से थी, 350 दुकानें ऐसी पाई गई हैं जो क्या जहरा में, महबूला में और फरवानिया में अलग अलग एरियो में 350 दुकानें ऐसी पाई गई हैं जो क्या बिना मास्क लगाए लोग सेल कर रहे थे। तो ये सारे डिसीजन लेने पड़े। अगर आप भी किसी भी शॉप पे काम करते हैं तो सावधानी बरतें हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक भाई ने जो है कमेंट किया था और इससे रिलेटेड पहले भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे, और उन्होंने कहा था सिविल आईडी के हवाले से कि हमारे पास में सिविल आईडी है लेकिन हम इलीगल तरीके से रहते हैं, यानी कि जहाँ का सिविल आईडी हम वहाँ पे काम नहीं करते हैं, क्या हम अभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुवैत से आना चाहते हैं और आपके पास में सिविल आईडी है तो है आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें और हो सकता है आपको मौका मिल जाए और आप आ सकें। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से हो गए हैं और आप जो है आपकी सिविल आईडी एक्सपायर हो गई है, तो आपके इलीगल तरीके से हो गए हैं, तो आपको मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो है काफी सारी जो है म्यूनसिपैलिटी की टीमें भी इधर उधर घूम रही हैं और लोगों को तलाश कर रही हैं, और हो सकता है आप पे फाइन वगैरह भी पड़ जाए। अगर आपका सिविल आईडी पहले से ही रिन्यूअल नहीं किया हुआ है तो आप पे फाइन भी पड़ सकता है, और अभी इस महीने के अंदर जो है एक्सपायर हुआ है, अगर रिन्यूअल नहीं कराया है तो तुरंत रिन्यूअल करा लें, नहीं तो पर डे के हिसाब से 2 KD का आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका ये क्वेश्चन है, आपके पास में सिविल आईडी है और आप कहीं पे काम दूसरी जगह पे कर रहे हैं लेकिन वैलिड है, तो आप पहले आप अपने मालिक से बात करें, उसके बाद में जो है आप आ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके पास में सिविल आईडी है और आपका मालिक ने जो है कंप्लेन दर्ज करा दी है तो आप जो है इलीगल तरीके से हो गए होंगे, तो आप नहीं आ पाएंगे। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने कैंसिल वगैरह सारी चीज़ करा दी होगी। तो ये थी बड़ी अपडेट, और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमारे पास में सिविल आईडी नहीं है लेकिन हम छुट्टी आए हुए हैं, तो क्या हमारे पास में सिविल आईडी नहीं है तो हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना के दिया था आज सुबह में, जिसमें बताया था कुवैत मोबाइल आईडी ऐप जो है पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है, और उसमें कुछ इशू आ रहे थे, वो पूरा अपडेट होकर दोबारा से लॉन्च हो गया। आप उसमें अपनी डिटेल्स डालें, आपकी सिविल आईडी उसके अंदर आ जाएगी, किसी भी तरह से आपको आईडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही आईडी आप अगर ट्रेवल करते हैं, किसी भी तरह से कुवैत जाते हैं, तो आप एयरपोर्ट पर दिखाइए, उसी को देखने के बाद में आप की एंट्री हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपकी आईडी वैलिड होनी चाहिए, अगर एक्सपायर हो गई आपकी आईडी तो आपको किसी भी तरह से एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपके क्वेश्चन थे वो भी जो है हल हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें।